गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर 11.2। क्लास टेंथ का चैप्टर हमने 11.2 हमने क्या किया था, कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं आज। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसने क्या बोला है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए। ठीक है, देखिए कोई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, ये देखिए इधर 5 सेंटीमीटर कोई त्रिज्या वाला एक वृत्त है। पहले मैं थोड़ा सा एक बार रफली बता दूं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई एक वृत्त है, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई इसकी। ठीक है, उसने क्या बोला, वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है, इसकी 2 स्पर्श रेखाएं ऐसे खींच जाएंगी। ठीक है, और जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, मतलब ये 60 डिग्री का कोण है। ठीक है, आपको पता है कि बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा है ना, वो 90 डिग्री का कोण बनाती है केंद्र के साथ। ठीक है, किसके साथ, केंद्र के साथ। तो ये तो 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये भी 90 डिग्री का हो गया और ये भी 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि केंद्र के साथ आपकी जो स्पर्श रेखाएं होती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। ठीक है बेटा, और ये 60 डिग्री है ही। अब मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है, क्या निकालना है, ये। ठीक है, तो देखिए ये चतुर्भुज बन गई ना मेरी, एक ये एक ये एक ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना दे रखा है, 360 होता है बेटा। ठीक है, 360 में से अगर मैं ये तीनों कोण घटा दूंगी तो ये वाला कोण निकल जाएगा। देखिए 90 90 180 180 और ये 240 हो गया, तो कितना बचा मेरा, 120 डिग्री। इट मीन्स ये वाला जो कोण है ना मेरे बेटा, वो कितना है, 120 डिग्री, ये वाला है। समझ आ गई मेरी बात, मतलब बीच वाला जो कोण है वो मेरा कितना है, 120 डिग्री का। बस अब हमें यही बनाना है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है आपको, हमें यही बनाना है। पहले हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर आपने क्या किया, एक सॉरी, पहले मैंने 5 सेंटीमीटर देखा तो है ही नहीं, ये 5 सेंटीमीटर है भी या नहीं है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर मैंने ले लिया, आप इसको मिला दीजिए केंद्र तक, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है बेटे, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर 120 डिग्री का कोण बनाना है। क्या करेंगे हम, इसके ऊपर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है बेटे, तो हम क्या करेंगे, प्रकार को ऐसे खोल लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से, ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री का, ये कितना है, 120 का, ये कितना बनता है, 120 का। ठीक है, ये कितने डिग्री का कोण हो गया, 120 डिग्री का। ठीक है, ये बना दिया अब हमने। अब आपको पता है हमें केंद्र से यहाँ से क्या बनाना है, इसके ऊपर यहाँ से और यहाँ से मुझे 90 90 डिग्री के कोण बनाने हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं या इसको थोड़ा सा लंबा खींच देती हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लंबा भी खींच दोगे तो। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का जो कोण है वो बनाना है आपको। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से मुझे यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, इसी तरीके से मुझे यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री का कोण, जहां तक ये दोनों लाइनें मिलती है वहां तक मिला दीजिए। ठीक है, ठीक है, ये भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। ठीक है बेटा,
तो ये ऑटोमेटिक कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। अगर आप फिर भी देखना चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, ये 60 डिग्री का ही कोण रहेगा। डी से आप इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब देखिए मेरा क्या हुआ, 90 डिग्री का कोण भी बन गया, ये भी 90 डिग्री का, ये 120 डिग्री का, और ये 60 डिग्री का कोण बन चुका है, ठीक है। यही हमें, ठीक है, इसमें क्या हो गई कि आपकी जो इसको नाम दे देते हैं, जैसे ये ओ था, ये क्या नाम आया मेरा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी। तो इसके अंदर स्पर्श रेखाएं कौन सी है, एक तो हो गया ए बी, एक ये वाली स्पर्श रेखाएं हो गई स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा मेरी क्या हो गई, ये वाली हो गई, ठीक है, मेरी बी सी, ए बी और बी सी। देखो ए बी और बी सी की आपकी जो ये बराबर है, क्यों, प्रेम है 10.1 है या 2 है, इससे आपकी ये नहीं सॉरी 2 है, 10.2 से ये दोनों आपकी क्या है, बराबर है, ठीक है बेटा। तो स्पर्श रेखा हमें बतानी थी, और ये हमारा कोण जो है ये कितने डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, बाह्य बिंदु से 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है 5th, तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th में आपको क्या दिया हुआ है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए, ठीक है। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अन्य वृत्त खींचिए, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, मतलब दोनों वृत्त से हमें क्या करनी है, स्पर्श रेखाएं निकालनी है, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, एक हमें दिया है 8 सेंटीमीटर, एक पहले तो हमें क्या करनी है, 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। 8 सेंटीमीटर आप एक लाइन खींचिए, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर होगी, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ए को केंद्र, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, हो गया क्लियर, इतनी बात तो हमें क्लियर है। उसके बाद उसने क्या कहा है कि ये जो दो केंद्र माने हैं ना, आपको उन दोनों केंद्र से स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो कैसे करते हैं हम स्पर्श रेखाएं खींचने के लिए, आप हर बार क्या करते हो, आधी से ज्यादा प्रकार ओपन करते हो, ठीक है, एक यहाँ चाप, एक यहाँ चाप, ऐसे ही आपको ए से करनी है, एक यहाँ चाप, एक आपको यहाँ लगानी है, ठीक है। अब आप इसको मिला दोगे जिससे आपको कोई दूसरा केंद्र मिल जाएगा, ठीक है बेटा। ये केंद्र आपको क्या मिला, ओ डैश मिल गया या ओ मिल गया, अभी तो हमारे पास कोई ओ हमने नाम ही नहीं दिया था, तो आप ओ भी दे सकते हो। फिर आप क्या करते हो, हमेशा जैसे करते हो आप, ओ ए जितनी प्रकार को आपको ओपन करना है और आपको एक वृत्त खींचना है इसके बीच में, ठीक है बेटा, खींच दिया। देखिए अब हमारे बड़े वृत्त जो है वो इसको टच कर रहा है, छोटे वाला वृत्त भी आपका इसको टच कर रहा है। हमें यही तो करना था, केंद्र से आपको पहले छोटे वाले वृत्त के साथ स्पर्श रेखा बनानी है, ठीक है, इसी तरीके से आपको इस तरफ भी करना है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, छोटे से बड़े की तरफ जाओगे, स्पर्श रेखाएं जहां पर दोनों वृत्त टच करते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया क्लियर। अब देखिए आप इसको क्या नाम दे दो, टी, इसको नाम दे दिया हमने टी डैश, इसको पी, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, पी डैश, ठीक है, बस हमारा यही काम था। देखिए हमने क्या किया, केंद्र से आपने क्या किया, दोनों तरफ वृत्त खींच दिए। उसके बाद आपका क्या आता है कि आपको बी को केंद्र मानकर आधी से ज्यादा प्रकार खोलकर एक ऊपर एक नीचे चाप लगाई, इसी तरीके से आपको ऊपर नीचे ए से चाप लगानी है। फिर आप इसको क्या करोगे, मिला दोगे। फिर आप क्या करोगे, ओ ए जितनी प्रकार खोलकर आपको एक वृत्त खींचना है, खींच दिया।
अब आप ए से जहां पर ये वृत्त दोनों मिल रहे हैं ना, आप ए से स्पर्श रेखा ए पी खींचोगे, ए से स्पर्श रेखा ए पी डैश खींचोगे। इसी तरीके से आपको क्या करना है, बी से बी टी स्पर्श रेखा खींचनी है और बी से बी टी डैश स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन डन हो चुका है और आपको इसी तरीके से इसकी रचना करनी है। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको, देखिए क्या दिया हुआ है। इसने बोला कि माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, माना एबीसी क्या दिया हुआ आपको, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के अंदर आपको ऐसे दिया हुआ है, देखिए आपको ऐसे दे रखा है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का है। ठीक है, बी पर है 90 डिग्री का, तो बी यहां मानना पड़ेगा हमें, उसके बाद ये सी मानना पड़ेगा, ये ए मानना पड़ेगा। ठीक है, बी से ए सी पर, देखिए बी से इस ए सी पर एक लंब है, तो इसको ऐसे लेना पड़ेगा, लंब ये लंब है, ये 90 डिग्री का कोण बनाना है। बिंदुओं बी सी डी से होकर, बिंदु अब ये जो पॉइंट आया वो मेरा क्या है, डी आया, बिंदु बी सी और डी से होकर एक वृत्त ऐसे जा रही है आपकी, आपको ऐसे वृत्त खींचना है। ठीक है, फिर ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, फिर ये जो ए पॉइंट है ना, इससे भी एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है, मतलब कि ये ऐसे होना चाहिए और स्पर्श रेखा इस वृत्त से यहां से आपकी जो है टच करनी चाहिए। क्लियर है मेरी बात, कि जहां पर ये आपकी दोनों लाइनें मिलेगी ना, दोनों सर्कल मिलेंगे, वहां से आपको ए से एक वृत्त खींच वो करना है, स्पर्श रेखा ये खींचनी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपको बिल्कुल सिंपल वे दिया हुआ है, देखिए कैसे करेंगे। अब हम आपको सबसे पहले क्या लेना है, ए बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है, पहले तो आप क्या लो, बी लो, बी सी 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं हम, बी सी 8 सेंटीमीटर लिया, ठीक है, बी सी मैंने क्या लिया 8 सेंटीमीटर, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक समकोण कोण बनाना है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ये मेरा कितने डिग्री का कोण हो गया बेटा, 90 डिग्री का। अब मुझे बी से सी तक तो मेरी बेटे 8 सेंटीमीटर थी, और मेरी ए बी जो है, जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ये जो बी से ऊपर जा रहा है ये हमारा ए आएगा, ये मेरा कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको सी से मिलाना है। ठीक है, मिला दिया मैंने, इतना काम मेरा हो चुका है। अब मुझे बी के ऊपर एक लंब डालना है। ठीक है, मुझे जो कि इसके ऊपर से बी से यहां तक ऐसे लंब जाए, मतलब ए सी के ऊपर मेरा डी पॉइंट आए। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, ऐसे तो सीधी रेखा नहीं खींच सकते, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने प्रकार खोलकर, कितनी भी प्रकार खोलकर एक बार मैंने यहां चाप लगा दी, एक मैंने चाप यहां लगा दी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहां से प्रकार खोलकर आदि सेम वही, यहां से और यहां से एक चाप लगाई। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस पॉइंट से बीडी को मिला दोगे। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, लंब समद्विभाजक आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, लंब समद्विभाजक 90 डिग्री का आ गया। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब उसने क्या बोला, इसके ऊपर ये जो डी पॉइंट आपका आया है यहाँ, अब आपको इसको सर्कल के अंदर एक कवर करना है, इसका वृत्त खींचना है इसको, और जो ऐसा वृत्त खींचना जो बी और सी और डी तीनों को लेता हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मेरा जो वृत्त बनेगा वो यहीं से बनेगा, तो मैं क्या करूंगी, 8 सेंटीमीटर मतलब आधी से ज्यादा प्रकार खोलकर मैंने एक यहां चाप लगाई, एक यहां लगाई, सेम मैंने यहां से किया, एक यहां और एक मैंने, एक यहां। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको मिलाया,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो मेरा पॉइंट आता है ये मेरा ओ मान लिया मैंने, क्या केंद्र आता है ओ, ओ को केंद्र मानकर बी, ओ बी जितनी प्रकार खोलकर आप एक वृत्त बनाओगे। देखिए इसने सबको कवर किया, इसने बी को भी कवर कर दिया और सी को भी, इसने यही बोला था ना कि एक ऐसा वृत्त खींचना है जिसमें बी बी आए, डी बी आए और सी बी आए, वो मेरा आ चुका है ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला कि ए से इस वृत्त पर, ए से यहां से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो आपको पता है कि अगर आपको ए से लेना है तो यहीं से आपको क्या करना है, ओ को ए से मिलाना है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ओ को ए से मिला दोगे ठीक है। आपको ए से लेना है तो आप क्या करते हो, सेम वही बात आपको यहां भी करनी है। हर बार आप क्या करते हो, ए ओ, आपको क्या करना है, ए ओ लेके चल रहे हो आप आधी से ज्यादा प्रकार खोलकर एक चाप यहां लगाओगे, एक चाप आप यहां लगाओगे। मैं इस चाप को डार्क कर रही हूं जिससे आपको याद रहे कि ये चाप जो है इसकी है ठीक है। इसी तरीके से आपको एक यहां लगानी है और एक यहां लगानी ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां पर इन दोनों को मिला दोगे, ये लाइन भी मैंने डार्क कर दी ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब मेरा ये केंद्र आ गया ना ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इतने ही प्रकार खोलकर ए को केंद्र मानकर आपको एक वृत्त बनाना है ठीक है। ठीक है ये बना दिया मैंने, ये नाम दे दिया मैंने ओ डैश, इसको क्या नाम दे दिया ओ डैश, क्लियर है। अब देखिए जहां पर ये दोनों वृत्त टच करते हैं, जहां ये दोनों वृत्त टच करे ये पॉइंट हो गया एक, तो आप क्या करोगे इसको इससे मिला दोगे ठीक है, और आपको इसको इससे मिलाना है ये मिला दिया ठीक है। तो मेरी ये जो स्पर्श रेखाएं आई है बेटा, देखो एक ये आई है, एक मेरी ये आई है, इसको मैंने नाम दे दिया, इसको मैं क्या नाम दूं, इसको मैंने नाम दिया टी, और इसको क्या नाम दे दिया मैंने टी डैश ठीक है बेटा। इसको क्या नाम दिया मैंने टी, और इसको क्या नाम दे दिया टी डैश। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनेगा ठीक है। देखिए सबसे पहले फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया था, रफली बता देती हूँ एक बार फिर से। 8 सेंटीमीटर आपने कोई वो ली थी, कोई रेखाखंड खींचा था जहाँ पर एक को बी नाम दिया, एक को सी नाम दिया ठीक है। फिर आपने इसके ऊपर कितने डिग्री का कोण बनाया था, 90 डिग्री का, और ए आपने यहाँ से 6 सेंटीमीटर लिया। फिर आपने इसको इससे मिला दिया, ए सी को आपने क्या किया, प्रकार को आपको जितनी मर्जी है उतना खोलकर ठीक है, आपने एक चाप यहाँ लगाई, एक चाप आप यहाँ लगाते हो, यहीं से एक चाप यहाँ लगाओगे, एक चाप यहाँ, फिर इन्हीं चाप से आप रखकर एक चाप यहाँ लगाओगे, एक चाप यहाँ लगाओगे, जहाँ पर ये चाप मिलती है आपकी ठीक है, जहाँ ये चाप मिलती है आपको बी को डी से मिला देना। आपको ये डी पॉइंट मिल गया जो कि लंब है किसके ऊपर, ए सी के ऊपर ठीक है। अब आपको एक वृत्त खींचना है जो आपका बी और डी और सी को पार करे ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर ओ को केंद्र मानकर आधी से ज्यादा प्रकार खोलकर एक आप ऊपर वृत्त खींचोगे, एक चाप लगाओगे, एक नीचे। इसी तरीके बी को केंद्र मानकर आपको एक चाप ऊपर लगानी है और एक नीचे, फिर आप इसको मिलाओगे ठीक है। यहाँ ओ आपको मिल जाता है, आप ओ बी को, ओ बी जितनी प्रकार खोलकर एक वृत्त खींच दोगे जिसके अंदर आपके ये सारे कवर हो जाते हैं ठीक है, जिसके अंदर आपका बी भी आता है और डी भी आता है और सी भी आता है ठीक है। फिर उसने क्या बोला कि आपको उसके बाद ए से उस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है, तो वो आपको कैसे करनी है, आप ए को इस ओ से मिलाओगे, फिर आधी से ज्यादा प्रकार खोलकर आपको एक यहाँ चाप लगानी है, एक यहाँ से, एक यहाँ और एक यहाँ, फिर आप उस चाप को मिला दोगे। मिला दिया, चाप को मिलाने के बाद एक दूसरा केंद्र मिल जाता है ओ डैश, ओ डैश जितनी, ओ डैश से लेकर ओ तक आपको एक प्रकार खोलनी है, फिर आपको एक वृत्त बनाना है। वृत्त बनाने के बाद ठीक है, वृत्त बना दिया ठीक है। वृत्त बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहां से जहां पर ये वृत्त टच किया ना, इससे जहां से ये टच कर रहा है, ये यहां से टच किया, तो आपको यहां से एक स्पर्श रेखा खींचनी है, एक यहां से स्पर्श रेखा खींचनी है ठीक है बेटा। हो गया क्लियर, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए और इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी चीज से आपने क्या किया,
सर्कल बना लिया, ठीक है। मैं आपका प्रकार से ही सर्कल बना देती हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने ये सर्कल बना दिया, क्लियर है। मैंने गिलास से इसको बनाया, चाहे आप चूड़ी से बनाओ, ठीक है, चूड़ी से भी आप बना सकते थे, चूड़ी रख के भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, ठीक है, इसे कोई मैटर नहीं करता। अब देखिए, अब मुझे, मैंने ये सर्कल चूड़ी से बनाया मान लीजिए, अब मुझे इसका मध्य बिंदु तो नहीं पता, तो सबसे पहले तो मुझे क्या पता होना चाहिए, इसका मध्य बिंदु तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि अगर मध्य बिंदु ही नहीं पता होगा तो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए, इसका ओरिजिन पॉइंट भी ये सर्कल बना है, ये निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, जैसे कोई दो जीवा खींच देती हूँ सेम दूरी की, मान लीजिए मैंने दो जीवा खींची इसके ऊपर, एक दोनों एक 4 सेंटीमीटर की और दूसरी भी 4 सेंटीमीटर की खींच दी, ठीक है, आप अपने आप मान लीजिए, ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। इसको नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी, और इसको क्या नाम दे दिया, सी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मैं यहाँ से, ठीक है, ए को केंद्र मानकर आधी से ज़्यादा प्रकार खोलकर एक चाप यहाँ लगा देती हूँ, एक चाप यहाँ लगा देती हूँ, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से एक, यहाँ एक, यहाँ, ठीक है, इसी तरीके से एक यहाँ लगा देते हैं और एक यहाँ, ठीक है, इसी तरीके से बी को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ लगा दी, एक यहाँ, ठीक है। अब देखिए, क्लियर है, इसको मिला दिया, इसी तरीके से इसको मिला दिया, जहां पर ये टच करती है ना बेटा, दोनों रेखाएं, वही क्या है हमारा केंद्र है, वही क्या है मेरा केंद्र है। ये सारा हमने क्यों किया, सिर्फ और सिर्फ इस वृत्त का केंद्र निकालने के लिए किया, ठीक है, ये वृत्त, इस वृत्त का मुझे क्या निकालना था, केंद्र निकालना था, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा, तो मेरा ये केंद्र निकल गया, ठीक है बेटा। अब मेरा केंद्र निकल गया तो मेरा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। देखिये, मुझे बाह्य बिंदु कोई भी ले लिया, मान लीजिए मैंने बाह्य बिंदु ओ से ले लिया, ठीक है, मान लीजिए मैंने पी नाम दे दिया इसको, ठीक है, बाह्य बिंदु ले लिया, यहां से मुझे स्पर्श रेखाएं खींचनी है, तो हम सेम क्या करते थे, आधी से ज्यादा प्रकार खोलते थे, आधी से ज्यादा प्रकार खोलकर ऊपर नीचे क्या लगाते थे, चाप लगाते थे, ठीक है। यहां पर भी क्या करना है, आधी से ज्यादा प्रकार खोलकर ऊपर नीचे चाप लगाने हैं, ठीक है, वो मैंने लगा दी। उसके बाद हम क्या करते थे, इसको मिलाते थे, ठीक है। अब हमें जो दूसरा ओरिजिन पॉइंट है, दूसरा जो बिंदु है मध्य बिंदु, दूसरा जो हमें वृत्त का बिंदु मिल गया हमें, ठीक है, बीच का मध्य बिंदु, ठीक है, ये मिल गया मुझे ओ डैस। अब हम क्या करेंगे, ओपी जितनी प्रकार खोलकर एक वृत्त खींचेंगे, ओपी जितनी प्रकार खोलकर क्या करूंगी मैं, एक वृत्त खींचूंगी। सॉरी बेटा, थोड़ा सा मूव हो गया, थोड़ा सा जगह से हट गया, ठीक है, ये मैंने खींच दी, ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखिए, जहां पर ये दोनों वृत्त टच करते हैं, एक तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसको मैंने दे दिया टी, इसका नाम दे दिया टी डैश, तो इसको पी से मिला दो, यही तो हमें निकालना था ना, ये हो गई स्पर्श रेखा, ये क्या आ गई मेरी स्पर्श रेखा, ठीक है। तो मेरी एक स्पर्श रेखा क्या हो गई, पी टी, पी टी, और दूसरी क्या हो गई मेरी, पी टी डैश। आपको पता है कि दो स्पर्श रेखाएं जो होती है किसी भी वृत्त से, वो क्या होती है, बराबर रहती है। इस तरीके से ये मेरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक चूड़ी ली, ठीक है, चूड़ी को रखने के बाद मुझे अब ये निकालना है कि मेरा इसका बिंदु कौन सा, केंद्र कहाँ है। तो मैंने क्या किया, 4 सेंटीमीटर कोई ऐसी जीवा ले ली, कोई यहाँ से दो जीवा ले ली, ठीक है, आधी से ज़्यादा प्रकार खोल कर एसी के अंदर मैंने एक यहाँ चाप लगाई, एक यहाँ, सी को केंद्र मानकर एक यहाँ लगाई, एक यहाँ, इसी तरीके से यहाँ और यहाँ, फिर बी को केंद्र मानकर यहाँ। आपकी ये दोनों जो लाइनें हैं, जो कट जहाँ से कटती है, ये दोनों जहाँ पर भी मिलती है ना, वही हमारा वृत्त का केंद्र हो जाएगा, ठीक है। केंद्र मिलने के बाद केंद्र से कोई बाहर के बिंदु की दूरी निकाल के, ठीक है, आधी से ज़्यादा प्रकार खोलकर एक ऊपर एक नीचे चाप लगा दी, ठीक है, फिर ये
इस पर टच करती है। अब मुझे दूसरा केंद्र पॉइंट मिल गया ना, ओ डैश और पी जितनी प्रकार खोलकर, फिर आपको एक वृत्त खींचना है। फिर आपको क्या करना है, पी से जहां पर ये दोनों वृत्त मिलते हैं वहां पर मुझे क्या करना है, लाइन खींचनी है। जैसे कि पी टी हो गया, एक क्या हो गया मेरा पी टी डैश हो गया, ठीक है। इस तरीके से मेरा ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट हुआ, ठीक है बेटा। देखिए इस तरीके से हमारा ये जो है आपका 11.2 जो चैप्टर है आपका आज कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मोर से मोर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसे क्या कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 12th चैप्टर के साथ।